तो भैया अपने अवधि समाज और अवधि भाषा प्रेमियन का अजय की तरफ से नमस्कार। हम हाजिर हैं मीडिया के एक नए टर्म के साथ। अब यह नया टर्म है कि पोस्ट ट्रुथ एरा। एक मोटा मोटी मतलब यह है कि भाई जब तथ्य पर आधारित सच्चाई की जगह पर हमार निजी राय और भावना हावी हो जाए तो यह जो है पोस्ट ट्रुथ एरा कहावत है। हालांकि यह पॉलिटिकल और फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में है, जगह कहीं राजनीतिक और दार्शनिक संदर्भ में, लेकिन इसमें यही है कि अक्सर ये गलती होती कि हम अपनी पसंद नापसंद पर ज़्यादा ध्यान दिया। यह जो हमारे पूर्वाग्रह है, मान लिया कि यह चीज़ हम मानें खराब, अब ओके गुण दोष के आधार पर हम विवेचन न करें। या मान लिया कि अच्छी है तो मगर कौनों कमियां है तो कहा हम नज़रअंदाज कह दिया। और यह जो पक्षपात पूर्ण नजरिया है, यह समझ लो कि अपने लिए तो है, ये समाज के लिए बड़ा घातक है। एक चक्कर में आए कि मान लो कौन वीडियो आवा या कौन मैसेज आवा, हम माने बैठ कि एक तो बिल्कुल खराब है जो उन भेजे से, तो ध्यान ही ना दे भाई ओके हो सका तो मैं अच्छी चीज बात हो, या कौन वीडियो है वह गलत है वो का हम मान लिया कि अच्छा है और का फॉरवर्ड कर दिया। तो अपने विचार के हिसाब से, तर्क के हिसाब से, सोच के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से अगर हम काम न करें तो वह समाज के लिए हानिकारक है। तो जब भी आपके सामने कोनो ऐसी जानकारी आवे, कोनो खबर आवे, कोनो वीडियो आवे, कोनो मैसेज आवे, तो पहले उसका जांचो परखो अच्छे से, उसके बाद अपना निर्णय लो। तो यह निर्णय केवल जो है पक्षपातपूर्ण न हो, निजी राय से न हो चाहिए, बल्कि तथ्य पर आधारित हो चाहिए। तो हम फिर अगले टर्म के साथ हाजिर हो गए, तब तक थोड़ा इंतजार तो करें।